हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर जिसका नाम है थर्मेक्स लिमिटेड। कुछ टाइम पहले शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इससे रिलेटेड शायद हमने वीडियो बनाई होगी। ओके, यहाँ पर एक साल पहले ही हमने यहाँ पर वीडियो बनाई है थर्मेक्स से रिलेटेड। सॉरी, ये और कोई सी है। ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे थर्मेक्स की, तो थर्मेक्स मैंने यहाँ पर वीडियोस नहीं बनाई थी। ओके, बट मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया था, काफी नीचे के लेवल पे हमने यहाँ गिरा रखा था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज गया और यहाँ पर अब चीजें भागती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर और भी चार्ट में अच्छा कुछ नजर आता है और शेयर का टारगेट काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आएंगे, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। ओके, एक वीडियोज आ चुकी है जहां पर हम निफ्टी के आउटलुक क्या रहने वाला है, किस तरीके से बैंक निफ्टी और दूसरे इंडेक्सेस काम करेंगे, वो सबसे रिलेटेड हमने बातें करी है। और यहाँ पर आप हमें इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल एट ट्रेडिंग जैसे यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा बैच शुरू होने वाला है 1 तारीख से, जहाँ पर बेसिक टू एडवांस स्टॉक पिकिंग, रिसर्च, टेक्निकल, जिसे कहते हैं ना एवरीथिंग, हर चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाता हुआ नजर आऊंगा। और जितना भी एक्सपीरियंस मेरा है वो सारा एक्सपीरियंस आपको देता हुआ नजर आऊंगा। और उसके बाद जो ये जर्नी है ना स्टॉक मार्केट की, वो बहुत आसान हो जाएगी। और किस तरीके से क्या होता है कि हम यहाँ पर स्टॉक्स लेते हैं, बट लेने के बाद जैसे ही हमें थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम चीजें एक टाइम के बाद बेच देते हैं। और पूरा जब प्रॉफिट होता है ना, जो एक पूरा भागता हुआ शेयर होता है, उसे हम पकड़ नहीं पाते और उसका पूरा मजा नहीं ले पाते, मतलब पूरे रिटर्न नहीं ले पाते। ओके, और हम बीच में ही एग्जिट कर देते हैं। तो वो ही चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर बीच में भी एग्जिट करते हैं तो री एंट्री बहुत जरूरी है, चीजों को दोबारा खरीदना बहुत जरूरी है। अगर आपका उसमें कन्विक्शन अच्छा खासा है और शेयर अच्छा है, तो कैसे आप बार बार यहाँ पर एंट्री ली, फिर एग्जिट किया, फिर एंट्री ली, ओके एंट्री ली, फिर एग्जिट किया, इस तरीके से कर करके भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इसलिए आप ज्यादा डिटेल्स के लिए कॉन्टेक्ट करिए, ओके इन नंबरों पे, और फॉर्म है नीचे, ये फॉर्म आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। डिटेल्स और जाननी है, मुझसे बातें करनी है, तो आप यहाँ पर इन नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। काफी बेहतरीन क्लास रहने वाली है जहाँ पर आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि फीस भी नॉर्मल है। ओके, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपसे पैसे कमाने का, हमारा इंटेंशन बस इतना है कि आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दी जाए जो दूसरे लोग नहीं देते। 7 दिन में क्लासेस खत्म कर देते हैं, 10 दिन में क्लासेस खत्म कर देते हैं, ओके हजारों की फीस ले लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको बेसिक क्लियर ना हो, जब तक आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर ना हो, क्योंकि एक्सपीरियंस का पूरा मामला है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, थर्मेक्स से रिलेटेड बातें करेंगे। थर्मेक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ऐसा शेयर है, ओके जिसका अगर हम बात करें, नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग में आता हुआ दिखाई देता है। और ये सॉल्यूशन टू एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी के सॉल्यूशन में, एनवायरनमेंट के सॉल्यूशन में, केमिकल सेक्टर के सॉल्यूशन में, जैसे कि हमारे एनवायरमेंटल में, हमारे पर्यावरण में किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिविटी छाई हुई है, इन द सेंस CO2 ज्यादा बढ़ी हुई है, उसे किस तरीके से कंट्रोल में लाना है और किस तरीके से ग्रीन एनर्जी क्रिएट करनी है, उसमें ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। अब पोर्टफोलियो की बात करें, बॉयलर, हीटर, एब्जॉर्प्शन चिलर, हीट पंप्स, पावर प्लांट, सोलर इक्विपमेंट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर एंड वेस्ट एंड रिसाइकल प्लांट, आयोन एक्सचेंज, रेजिन्स एंड परफॉर्मेंस केमिकल एंड रिलेटेड सर्विसेज देता हुआ नजर आता है। तो काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एज वेल एज 71% का रेवेन्यू एनर्जी सेगमेंट से आता हुआ दिखाई देता है। और भी बहुत कुछ जानने के लिए एक बार इनकी वेबसाइट है, उसे विजिट कर लीजिए, आपको यहाँ पर पता चलेगा किस तरीके से बॉयलर, हीटर, प्रोसेस हीटिंग, प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा बात करें ग्रीन टेक्नोलॉजी से, जैसे कि इको फ्रेंडली पावर, वाटर रिसाइकिल, वाटर हीट एनर्जी, कूलिंग फ्रॉम वेस्ट हीट, एमिशन कंट्रोल, सोलर, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और ये फ्यूचर है, बात करें यहाँ पर ये फ्यूचर है और यहाँ पर कंपनी अच्छा काम करेगी। इसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट बाय द एक्सटेंसिव R&D टाई अप्स विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी, काफी जो बाहर की कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पर टाई अप्स कर रखे हैं।
इंटरनेशनली सेल्स बात करें स्प्रेड ओवर 30 कंट्रीज में कंपनी शामिल है, एज वेल एज 14 इंडस्ट्रीज ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, डेनमार्क एंड पोलैंड और भी बहुत कुछ है। तो जाके एक बार देख लीजिए, 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 30 कंट्रीज में फैला हुआ है, कंपनी काफी बेहतरीन है। इनके कस्टमर जैसे कि सैमसंग इंजीनियरिंग यहाँ पर है और भी बहुत सारे इनके कस्टमर्स है, जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चलती हुई नजर आएगी यहाँ पर ये पूरा का पूरा दे रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर बदमानी ब्रोज इनके कस्टमर्स हैं। तो एक बार विजिट कर लीजिए साइट पर तो चीजें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल्स देखने बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी एक रिसर्च का पार्ट है। कैपिटल की बात करें, मार्केट कैपिटल की, तो ये मिड कैप कंपनी है, 29,455 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पीए 23 का, इसका 89 का है। बट याद रखिए, बेहतरीन स्टॉक्स हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, महंगे पीई पे ही मिलेंगे। आप सोचेंगे कि ये पीई 10 पे आ जाएगा तब खरीदूंगा, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। ओके, कंपनी धीरे धीरे बढ़ेगी, डेट फ्री शेयर है एक तरीके से, कोई प्लेजिंग नहीं है। ओके, यहाँ पर बात करें कंपनी के और भी कुछ चीजों की, तो दो का यहाँ पर फेस वैल्यू है 2550 का हाई लगा के, अभी भी हाई लगाया था उसके आसपास ही यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है। बीच में जैसे कि बात करें स्मॉल कैप से मिड कैप हुई होगी ये कंपनी, तो यहाँ पर अगर हम देखें उसी अगर शेयर भागता है तो गिरता भी है जिगजैग मोशन में। बट इसकी जर्नी की बात करें तो अच्छी जर्नी है, अच्छा पैसा बनाया है इस शेयर ने, लोगों को करोड़पति बनाया है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें कंपनी की सेल्स की, तो सेल्स यहाँ पर लगातार कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछली दो बार की सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स है, कंपनी का प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। कंपनी का मार्जिन की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी का ईयरली बेसिस पे यहाँ पर मार्जिन फ्लैट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की एम्प्लॉई कॉस्ट ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ईयरली बोनसेस, ईयरली यहाँ पर हाइक्स होते हैं, तो वो यहाँ पर एक इस वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा हुए। नेट प्रॉफिट स्टिल देखा जाए कंपनी प्रॉफिट में है। ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार तो नहीं, एक फ्लैट कहूंगा मैं इसे, बट कंपनी का जो चार्ट है वो अच्छा खासा दिखाई देता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ड्रिवन है, तो जहां तक बात की जाए अच्छे खासे फ्यूचर में पैसे बनते हुए नजर आ सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के अच्छे खासे रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, 368 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कंपनी के पास थोड़ी सी बोरिंग है। वर्किंग प्रोग्रेस में 44 करोड़ रुपीस लगा रखे है। जब ये यहाँ ऐड होंगे तो ऑब्वियसली बात है सेल्स और सब चीज यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। कैश की बात करें, कंपनी का लगभग 1000 करोड़ रुपीस के यहाँ पर कैश भी पड़े हुए है। और यहाँ पर बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो एज इट इज बनी हुई है। तो ये चीज यहाँ पर बताती है कि कंपनी में प्रमोटर्स का अगर हौसला बना हुआ है, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचते, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाली बात होती है। एफआईआई की बात करें, लगातार खरीदारी है। ओके, डीआईआई की बात करें, ओके लगभग फ्लैट है यहाँ पर नजर आते हैं, और जब तक ये बने हुए तब तक डरने वाली बात भी नहीं है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास भी 5% की हिस्सेदारी है, तो मतलब थोड़ी सी हिस्सेदारी केवल पब्लिक की है, बाकी सारी हिस्सेदारी बड़े हाथों में यहाँ पर नजर आती है। तो आपको ध्यान देना है, शेयर जब थोड़े से होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में, तो यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आती है। थर्मेक्स की अगर हम चार्ट की बात करें, चार्ट यहाँ पर काफी अच्छा नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, हायर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी देखिए, मार्केट में गिरावट हुई थी अभी, आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट हुई। ओके, शेयर नीचे आया, 2100 से 1600 रुपए आया, 1600 से 2500 आने में इसने टाइम नहीं लगाया। तो ये एक अच्छे स्टॉक्स की पहचान है, एज वेल एज वॉल्यूम दोबारा उसी तरीके के वॉल्यूम आए हैं। कंपनी ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 वाला स्टॉक 2500 पे चल रहा है। बट थोड़ा सा कॉशियस भी रहना है, ओके, जब हम ऊपर के लेवल पे जब आप शेयर खरीदते हैं, तो याद रखिए बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पर काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस केसेस में क्या हो सकता है, इस केसेस में ये हो सकता है कि आप ऊपर के लेवल पे फंसे। बट यहाँ पर जिस तरीके के यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से चार्ट लगातार हायर हाइज बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्विक्शन आता है कि यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, भागने वाली है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शेयर बहुत जल्दी 3000 का लेवल यहाँ पर टच करने वाला है। तो स्विंग के मतलब से यहाँ पर अभी खरीदिए, और यहाँ पर और एक बार रिजल्ट देख लीजिए। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं दोबारा, तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके यहाँ पर दिखा सकती है, और अच्छे खासे यहाँ पर आपके पैसे दोबारा यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है, आप शेयर की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस भी रहना है, हमेशा बता रहा हूँ कॉशियस रहना है, बट स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये रेजिस्टेंस है इसका जो हाई था 2550 का, ये क्रॉस किया
तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, और जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना कहीं इधर ही टच करके थोड़ा सा नीचे आ सकता है शेयर, और फिर यहाँ पर ये इसका सपोर्ट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे इसका जो बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है वो ये नजर आता है। ओके, इस सपोर्ट से अगर चीजें नीचे आती है तो याद रखिए चीजें फिर गिर के इस लेवल तक आ सकती है दोबारा 2100 तक। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 2363 का, और ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर एक ये लेवल अगर इसे भी क्रॉस कर दिया तो और तेजी होगी। मेरा यहाँ पर टारगेट 3000 के लगभग का है। ओके, 3000 का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल 3000 हो, ये हो सकता है 2950 भी हो, ये हो सकता है 3050 भी हो। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, इसे हमें यहाँ पर लेके चलना पड़ता है। और ये सब चीज किस तरीके से, जो लगभग की मैं बातें कर रहा हूँ ये कैसे पता करते हैं, किस तरीके से ये मैंने 1 मिनट में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये कैसे करते हैं, तो ये सब चीज मैं यहाँ पर अपनी क्लासेस में शुरू करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। एनरोल कर लीजिए, काफी बेहतरीन क्लास है, इससे बेस्ट क्लास मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर इतने सस्ते में ये सारी चीजें सिखाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि क्या होता है, काफी लोग केवल टेक्निकल सिखा देते हैं, या फिर काफी लोग यहाँ पर रिसर्च सिखा देते हैं, या फिर काफी लोग स्टॉक पिकिंग सिखा देते हैं, बट मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाना, प्लस में 6 महीने तक आपके साथ रह के यहाँ पर आपका आपकी मदद करने वाला हूँ। तो ये एक पॉजिटिव बात है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।